कि जो आत्मा का दुख है वो दूर कैसे हो। आत्मा दुखी होती है ना, ऐसे नरक की दुनिया में कर्म इंद्रियों से विकर्म करते करते, तो जो दुखी हुई आत्मा है उसको सुखी बनाने के लिए शरीर की भी दवाई करनी पड़े। आत्मा को ज्ञान सुनाना और शरीर को क्या करना, शरीर को तपाना। क्या, कौन सी तपस्या, क्या तपस्या बताई। अरे जैसे वो दुनियावी योगी लोग उल्टे खड़े हो जाते हैं शीर्षासन से, या हाथ पांव उल्टे सीधे करके आसन लगाते हैं, वो करें, उससे आत्मा का दुख दूर हो जाएगा नहीं। तो शरीर स्वस्थ हो सकता है, बाकी आत्मा को थोड़े पर अंतर पड़ेगा। तो क्या करें, नाक से जो श्वास प्रश्वास खींचते हैं वो प्रैक्टिस करें, श्वास चढ़ाएं और रोक लें, फिर बहुत देर बाद जितनी प्रैक्टिस कर पाए उतनी छोड़ दें, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा नहीं। तो क्या करें शरीर से, शरीर के द्वारा जो कर्म इंद्रियों से कर्म किए हैं वो दुखदायी कर्म किए हैं, तो अभी क्या करना है, कर्म इंद्रियों को बस में करना है। तो ये है दवाई, ये है तपस्या। तपस्या माने वो कोई शरीर की तपस्या नहीं, ये है आत्मा की तपस्या। क्या तपस्या, अपन को देह मत समझो, देह को भूल जाओ, ये आत्मा समझो, ज्योति बिंदु आत्मा। तो ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे तो सुख ले पाएंगे कर्म इंद्रियों का, नहीं ले पाए तो ये तपस्या हो गई। आत्मा को तपाया जा रहा है, वो तो सुधारने के लिए जेल में डाल देते हैं, शरीर को जेल में डाल देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे यहां जेल में डालने की कोई बात नहीं है। क्या, ये आत्मा को एकाग्र करो, कहां, ब्रकुटी के मध्य में, माना अपने घर में कैद कर दो। आत्मा को कहां कैद कर दो, नजर बंद कर देते हैं ना घर में, बाहर नहीं निकलने देते, कहीं आने जाने नहीं देते, ओ कुछ रसद खाना पानी अंदर आने नहीं लेंगे, नहीं देंगे, तो फिर वो तकलीफ होगी ना। जैसे कोई किले में रहती है सेना, किसी राजा की चारों तरफ से किसी दूसरे राजा ने किले को घेर लिया और महीनों घेरे रहा, घेरा डाल करके, न कुछ रसद आने देता है न जाने देता है, तो सब क्या करेंगे, भूख मरेंगे ना। तो ऐसे ही आत्मा को जो आदत पड़ी हुई है कर्म इंद्रियों के द्वारा सुख भोगने की, बाहर का सुख भोगती है ना कर्म इंद्रियों से, तो वो रसद बंद कर दी। क्या, अपने ही घर में बंद कर दिया रसद बंद, अपने किले में बंद हो जाओ। ये भी भ्रकुटी एक किला हो गया ना आत्मा का। तो ये बेहद का पुरुषार्थ करो, और ये कोई दूसरा ना करे, अपने आप ही अपना जेल में डालने का दंड दो। क्या, कहां जेल में, है जो बिंदु रूप आत्मा है उसको भ्रकुटी के मध्य में कैद कर दो, भागने ना पाए इधर उधर। क्या, नहीं तो आत्मा संकल्पों से भी भाग जाती है, अगर इधर उधर भागते रहे संकल्पों से तो कोई फायदा नहीं, फिर उसको योगी नहीं कहेंगे। अगर मन से भी आत्मा इधर उधर भागती है तो भोगी कहेंगे या योगी कहेंगे, है भोगी, तो भोगी है तो पाप कर्म बनेगा कि नहीं,
वाइब्रेशन खराब करेगा या अच्छा बनाएगा? खराब वाइब्रेशन बनाएगा तो दूसरों को भी तकलीफ होगी। तो ये बताया कि जब तक दवाई नहीं करेंगे तब तक बीमारी से नहीं छूटेंगे। वो है दुनियावी दवाई और ये है बेहद की दवाई, बेहद के बाप वैद्य के द्वारा। वैद्यनाथ है ना, उनकी यादगार भी है ना, वैद्यनाथ, वैद्यनाथ धाम। तो दुखों से छूट जाएंगे, तो दबा पाएंगे तो आत्मा भी दुख से छूट जाएगी और शरीर भी छूट जाएगा। फिर आत्मा कहेगी नहीं कि मेरे को खांसी है। तो ऐसे सिद्ध होता है कि जीव आत्मा दोनों को होती है खांसी, एक को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है कि शरीर को खांसी हुई है और दूसरे को देखने में नहीं आता है कि आत्मा को कैसे हुई, क्योंकि आत्मा ही नहीं देखने में आती है। आत्मा निराकार, शरीर साकार, लेकिन कनेक्शन तो है ना, क्योंकि फिर जीवात्मा को ही सुख होता है, क्या कहा, और जीवात्मा को ही दुख होता है। सुख होता है वहां स्वर्ग में और जीवात्मा को दुख होता है यहां नरक में। क्या इसका नाम नरक दे दिया, उसका नाम स्वर्ग क्यों दे दिया? क्योंकि वहां स्व माने आत्मा, ग माने गई, आत्मा ने स्व स्थिति में जाने की प्रैक्टिस की तो स्वर्ग में गई। और नरक क्यों कहा गया? कि नर माने मनुष्य, मनुष्य ने जो रास्ते बताए, जो काम किए, उस रास्ते पर दुनिया चल पड़ी तो फिर वो नरक बन गया। क्या? तो इस दुनिया में वो आत्मा जब तक ना आए जिसको अपना शरीर है ही नहीं, सिर्फ आत्मा, वो ही आकर के सिखाती है, ज्ञान देती है कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु कैसे दुख से छूटो। तो कैसे छूटो? ऐसे नहीं कि सिर्फ मुझे बिंदु को याद करो तो दुख से छूट जाओगे। बिंदु को याद करो लेकिन साकार में निराकार को याद करो। क्या? ऐसे नहीं कि आत्मा अलग कर दो और जीव आत्मा अलग कर दो, नहीं, शरीर भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। समझा ना बच्चे? क्या है अलग का तो कोई प्रश्न नहीं है ना, अलग है तो आत्मा वही है, तो शरीर नहीं है, तो क्या करना है? अपने को शरीर से डिटैच करके रखो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। शरीर से अटैचमेंट ना, अपने शरीर से अटैचमेंट ना दूसरे के शरीर से अटैचमेंट, तो ये दोनों इकट्ठे हैं। कौन कौन? दोनों, आत्मा और शरीर, दोनों इकट्ठे सुख भोगते हैं और दोनों इकट्ठे होकर के दुख भोगते हैं। चाहे स्वर्ग की दुनिया हो, आत्मा और शरीर दोनों इकट्ठे होंगे तो सुख होंगे, लेकिन कैसे भोगेंगे? बस आत्मा आत्मा की याद में रहे। क्या? चाहे अपने शरीर में बैठी है तो भी अपने शरीर में भृकुटी के मध्य में आत्मा याद रहे, और दूसरे के शरीर में भी आत्मा है लेकिन उस तरफ भी बुद्धियोग बार बार ना जाए, लागत ना जाए, आसक्ति ना जाए, लगाव ना जाए। तो अगर लगाव गया तो फिर दुख भोगेगी। तो शरीर और आत्मा दोनों हो तब ही सुख और दुख भोगा जा सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो जीव और आत्मा दोनों दुख भी भोगते हैं, फिर यही जीव आत्मा सुख भोगते हैं। तो देखो, तुम्हारे से प्रश्न पूछते पूछते ये खांसी भाग गई। क्या? क्यों भाग गई?
खास ही न समझा, हमारे ऊपर हमला होने ने तरकीब तो मिल गई है, खांसी भाग गई। कहां कहां थोड़ा थोड़ा मुझती होना, ये खांसी क्यों भाग गई? बाकी ये तो सहज बात है ना बच्ची, जैसे आत्मा तमो प्रधान होती है वैसे शरीर भी तमो प्रधान बनता है। क्या ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्मा तमो प्रधान बनती है या सिर्फ शरीर तमो प्रधान बनता है? बनता है ना। कलयुग में देखो कैसे शरीर दुखी रोगी परेशान हो जाते हैं, है हो जाते हैं नहीं है, कितने हॉस्पिटल खुले हुए हैं, कितनी दवाइयां बनती जा रही हैं, कितने डॉक्टर पैदा हो गए, तो भी क्या हो रहा है? दुख बढ़ रहा है ना तमो प्रधान होने से, है शरीर बीमार होते जा रहे हैं, आत्मा चिल्लपों करती रहती है। तो दोनों हो गए ना बच्चे, शरीर भी और आत्मा भी।